हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस मई 2018 के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया ने हाल ही में पुरुषों के कोच के रूप में किसको नामित किया है? तो इसमें आंसर आएगा हरेंद्र सिंह को। इससे पहले हरेंद्र सिंह भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच थे, और उनके ही मार्गदर्शन में महिला टीम ने अक्टूबर 2017 में जापान में एशियाई कप का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा 1 मई को। 1 मई 1960 यानी 1960 को भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया था, और 1 मई 2018 से गुजरात सरकार सुजलम सुफलम जल संरक्षण नामक एक पहल शुरू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा 1 मई को। 1886 में शिकागो में पुलिस के खिलाफ श्रम विरोध में बमबारी के कारण हुई त्रासदी की याद में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कितने भारतीय शहर शामिल है? तो इसमें आंसर आएगा 14 भारतीय शहर, और ये भारतीय शहर हैं कानपुर, फरीदाबाद, गया, पटना, आगरा, मुजफ्फरनगर, श्रीनगर, गुड़गांव, जयपुर, जोधपुर, पटियाला, लखनऊ, दिल्ली और वाराणसी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन 1946 में स्थापित किया गया था, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीद प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसमें आंसर आएगा महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल 2018 को भारत दक्षिण अफ्रीका व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसमें आंसर आएगा जोहान्सबर्ग में, और इसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने भाग लिया, और इस शिखर सम्मेलन की टैगलाइन थी विरासत द्वारा संयुक्त समृद्धि के लिए एकीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मई से 5 मई 2018 को वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसमें आंसर आएगा गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के नए हेड कोच के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा जस्टिन लैंगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC एशिया बॉक्सर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो इसमें आंसर आएगा WBC एशिया बॉक्सर ऑफ द ईयर भारत के नीरज गोयाट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव जाओ मिशन किस राज्य में लॉन्च हुआ? तो इसमें आंसर आएगा गांव जाओ मिशन मणिपुर राज्य में लॉन्च किया गया, और यह मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने लॉन्च किया। मणिपुर राज्य सरकार के गांव जाओ मिशन का उद्देश्य राज्य के हर कोने में योग्य लाभार्थियों की पहचान करना और उनके दरवाजे पर सरकारी सेवाएं देना है, और यह मिशन 60 विधानसभा क्षेत्रों के 60 गांव में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मई 2018 को मणिपुर के कार्यकारी राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो इसमें आंसर आएगा जगदीश मुखी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 से 12 मई को भारत ने 15वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? तो इसमें आंसर आएगा नई दिल्ली में, और इसका विषय था टेलिंग आवर स्टोरीज एशिया एंड मोर, और इसका उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है, और यह हेनरी डुटेंट की जयंती पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 8 मई 1828 1828 को हुआ था। हेनरी डुटेंट रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक है, और वे नोबल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 विश्व रोबोट सम्मेलन 15 से 19 अगस्त 2018 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा, बीजिंग में। और सम्मेलन के दौरान एक रोबोट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, और प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में 5 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे, और इसमें 10 से अधिक देशों और सेक्टरों की 12,000 से अधिक टीमें और 50,000 प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट का 16 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण किसने किया? तो इसमें आंसर आएगा, वॉलमार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में छठे यूएस भारत विमानन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसमें आंसर आएगा, केंद्रीय उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में एक भारतीय द्वारा सर्वोच्च स्कोर किस खिलाड़ी का है? तो इसमें आंसर आएगा, ऋषभ पंत का। और ऋषभ पंत दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम से खेल रहे थे, और इन्होंने सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 128 रन का स्कोर 63 गेंदों में पूरा किया, और वह इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में उच्चतम स्कोर करने वाले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन कहाँ बना? तो इसमें आंसर आएगा, गुवाहाटी में, और इसकी क्षमता 700 किलोवाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे क्रिकेट काउंसिलिंग ने जिम्बाब्वे के अंतरिम मुख्य प्रमुख कोच के रूप में किसे नियुक्त किया? तो इसमें आंसर आएगा, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी श्री लालचंद राजपूत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो इसमें आंसर आएगा, रामलिंगम सुधाकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी कानपुर ने ऊर्जा के लिए भारत का पहला सलाहकार केंद्र किसकी मदद से स्थापित किया? तो इसमें आंसर आएगा, यूनाइटेड किंगडम सरकार की मदद से, और इसका उद्देश्य ऊर्जा के सेक्टर में नीति और नियामक मामलों पर स्वतंत्र सलाह प्रदान करना है। गतिविधियों में भारतीय अर्थव्यवस्था, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा मांग इत्यादि जैसे मुद्दों के संबंध में अनुसंधान और विकास शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो इसमें आंसर आएगा, पाकिस्तान ने, और यह बैठक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई, और यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने इस बैठक को आयोजित किया, और इसका मुख्य विषय आतंकवाद खतरों से संबंधित मुद्दे और उनके प्रबंधन के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 मई 2018 को चौथा स्मार्ट सिटीज इंडिया 2018 एक्सपो कहाँ शुरू हुआ? तो इसमें आंसर आएगा, प्रगति मैदान नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसमें आंसर आएगा, जेडी नेता एचडी कुमार स्वामी ने, और वे कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं, और कांग्रेस राज्य अध्यक्ष जी परमेश्वर ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव शिकार को नियंत्रित करने के लिए भारत किस देश के साथ संयुक्त अभियान चलाएगा? तो इसमें आंसर आएगा, नेपाल के साथ, और इसका उद्देश्य वन्य जीव शिकार और पशु के अंगों की तस्करी को नियंत्रित करना है। यह ऑपरेशन नेपाल के पक्ष में कंचनपुर जिले के सुंकला फटा राष्ट्रीय उद्यान और उत्तर प्रदेश के कुशनपुर वन्य जीव अभयारण्य में आयोजित किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसमें आंसर आएगा, पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना इम्फाल मणिपुर में की जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीन एयर इंडिया पहल की शुरुआत किसने की? तो इसमें आंसर आएगा नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने, और ये पहल नई दिल्ली से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतरतु सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा झारखंड में, और इसमें टोटल 4,000 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी, जिसमें पहले चरण में 2,400 मेगावाट और दूसरे चरण में 1,600 मेगावाट के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा 5 दिवसीय आसियान इंडिया फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसमें आंसर आएगा इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, और इस त्यौहार की टैगलाइन थी फिल्मों के माध्यम से मित्रता। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और फिल्म निर्माण के नए रुझानों को आदान प्रदान के लिए एक मंच तैयार करना है। इस त्यौहार में 11 देशों की लगभग 32 फिल्मों को दिखाया जाएगा, और इसका उद्घाटन फिल्म सिंजर जसारी बासा की फिल्म से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ओडिशा और मिजोरम राज्यों के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसमें आंसर आएगा प्रोफेसर गणेश लाल को ओडिशा का राज्यपाल, और कुमान मान राजशेखरन को मिजोरम का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? तो इसमें आंसर आएगा इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और इस परियोजना की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। इसमें पहले 27.74 किलोमीटर 14 लेन वाले होंगे, और जो बाकी बच गया वो 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे होंगे, और इसकी कुल लागत 4,975 4,975.17 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 मई 2018 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया के पहले पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी? तो इसमें आंसर आएगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, और यह केरल का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है, और इसका निर्माण 1999 में किया गया था। एयरपोर्ट के कार्गो कॉम्प्लेक्स में हवाई अड्डे की 45 एकड़ भूमि में 46,150 46,150 सौर पैनल लगाए गए हैं, और यह 15 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शुरू की है? तो इसमें आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने, और इसका उद्देश्य राज्य में जैविक खेती और शून्य बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसमें आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 महीने की अवधि के लिए पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश नासिर उल मुल्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा सुधा बालकृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 का आईपीएल खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसमें आंसर आएगा चेन्नई सुपर किंग्स ने, और चेन्नई सुपर किंग्स ने यह खिताब सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर जीता है, और यह उनका तीसरी बार आईपीएल खिताब है, और मुंबई इंडियंस ने भी 3 बार आईपीएल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित होगा? तो इसमें आंसर आएगा देहरादून उत्तराखंड में, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा अपना राज्य दिवस कब मनाता है? तो इसमें आंसर आएगा 30 मई को। गोवा 30 मई 1987 को दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश से अलग होकर भारत का 25वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य के नए राज्य प्रतीक क्या क्या हैं? तो इसमें आंसर आएगा राज्य पेड़ नीम, राज्य पशु ब्लैक बक,
प्राकृत राज्य पक्षी रोज रिंगड़ और राज्य फूल चमेली। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।